मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कवि अपने गीतों की विशेषता और विभिन्नता को बताते हुए कहते हैं, कुछ गीत ऐसे हैं जो जीवन में नए सवेरे का एहसास कराते हैं, नए उत्साह का एहसास कराते हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जो जीवन के अद्भुत व्यवहार से हमारा परिचय करवाते हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जिनके भाव बड़े एकांत हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जो मन को बहुत उत्साहित करते हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल आकर्षण से भर देते हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जो दुनियादारी का ज्ञान कराते हैं और व्यक्ति को जो भावनाओं की बीमारी हो गई है, जो बंधन हो गया है विचारों का, इन विचारों के बंधन से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। और आगे का भाव देखें, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। और कवि कहते हैं कि यदि इन गीतों में से भी पसंद ना आया हो तो मेरे पास ढेर सारे और भी प्रकार हैं गीतों के, उनका वर्णन देखें और कवि के विचारों की विविधता और भावों की विशिष्टता का एक दर्शन करें। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मेरे पास रखे हैं कलम और दावत। इनमें से भाए नहीं नए लिखता हूँ, जो चीज चाहिए नहीं गए लिख दूँ। इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। कवि कहते हैं कि इन विविधताओं से भरे हुए गीतों के प्रकार में से, हे पाठकगण, हे श्रोतागण, यदि आपको पसंद ना आए तो मेरे अंदर वह प्रतिभा है कि आप जिस भाव की कविता कहेंगे उस भाव की मैं कविता आपको सुनाऊंगा। कवि की प्रतिभा बड़ी विशिष्ट होती है। कहते हैं कि अपने जमाने में अमीर खुसरो नाम के एक बड़े अच्छे लोक कवि हुए और वह तुरंत भावों के अनुसार कविता को रचते हैं। एक बार वह गर्मियों के दिनों में कहीं जा रहे थे, उन्हें बड़ी प्यास लगी। वह एक कुएं के पास पहुंचे तो चार स्त्रियां वहां पर जल भर रही थीं। खुसरो ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, आप लोग मुझे पानी पिलाएं। वह स्त्रियां पहचान गईं कि अरे ये तो कवि खुसरो हैं। तो उन्होंने कहा, पहले आप हमें कविता सुनाइए, तब हम आपको जल पिलाएंगी। तो चारों ने चार भावों को प्रस्तुत किया और खुसरो से कहा कि आप इन पर कविता सुनाइए। एक ने कहा कि मुझे खीर पर कविता सुनाइए, एक ने कहा मुझे चरखे पर कविता सुनाइए, एक ने कहा मुझे कुत्ते पर कविता सुनाइए और एक ने कहा मुझे ढोल पर कविता सुनाइए। अब चार भाव कवि के सामने प्रस्तुत हुए और कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी और दोहे जैसे छोटे छंद का निर्माण तत्काल ही कर दिया। वह इस प्रकार है कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, कुत्ता आया खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तो ये प्रतिभा भी कवियों की विशिष्ट होती है और भवानी प्रसाद मिश्र भी अपनी इस प्रतिभा का वर्णन इन पंक्तियों में कर रहे हैं। और फिर आगे का एक भाव और देखें कि क्या कारण है कि कविता लिखना और कविता को बेचना आज बाजारीकरण के दौर में बढ़ता ही जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि इन दिनों कलम भी व्यस्त है, कंधा भी व्यस्त है,
जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लिखना भी बहुत है और लिखने से कमाना भी उतना है कि कवि अपने जीवन यापन को ठीक प्रकार से कर पाए। एक और भाग है, अंतिम देखें। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का यह गीत। और आगे के भावों को थोड़ा सा हम विस्तार देंगे कि मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। बहुत प्रकार के गीतों का वर्णन हो गया, फिर भी पाठक कण